दोस्तों आज हम संविधान से जुड़े हुए क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका जवाब है भाग 3। हमारा अगला सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है? इसका जवाब है राज्यपाल को। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका जवाब है दिल्ली में। हमारा अगला सवाल है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है, ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? इसका जवाब है 131 संख्या है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका जवाब है पंचायती राज से। हमारा अगला सवाल है, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया था? इसका जवाब है 15%। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसका जवाब है भारतीय संविधान अध्यात्मक है, भारत एक नामांतरिक राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। इसका जवाब है चौथा है, भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब सहसृष्ट किए गए? इसका जवाब है 1976 में। और हमारा अगला सवाल है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? इसका जवाब है एन संजीव रेड्डी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।